बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये मोस्ट रिपीटेड टॉप एमसीक्यूज हैं और ये 100 एमसीक्यूज हैं इसमें, और ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं और ये फ्रेंड्स हर टेस्ट के लिए हैं, केपीएससी, FPSC, KPSC, PPSC, NTS, ETA, OTS, पाक, PTS, पाक आर्मी, पाक नेवी, ये सब के लिए ये टेस्ट हैं, ये MCQs हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन जो है फ्रेंड्स, ये कब फाउंड हुआ था, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड, ये 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हो चुका था, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है, ये वेटिकन सिटी है और ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है, ये सबसे छोटी कंट्री है दुनिया में। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है फ्रेंड्स, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, रेस्क्यू 1122 में भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर है, दी हाग। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सारक। सारक के कितने मेंबर हैं फ्रेंड्स? तो सारक के जो है फ्रेंड्स, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, सारक के 8 मेंबर्स हैं, सही है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स, ये ईटा में भी आया था, तो जूनियर क्लर्क में। तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं फ्रेंड्स? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसके 3 हैं, सही है फ्रेंड्स। कौन कौन से? अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, सही है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से मेंबर परमानेंट नहीं होते, कितने मेंबर? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 10 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशियन करेंसी फ्रेंड्स रुपया है, सही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज। D8 जो है डेवलपिंग, तो D8 का मतलब है डेवलपिंग कंट्री, सही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द यूरोपीय यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन। यूरोपीय यूनियन जो है फ्रेंड्स, ये किधर काम करती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये ब्रसल में काम करती है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन। नेटो का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स, वो जनेवा नहीं, ब्रसल में है, सही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रसल में इसका हेडक्वार्टर है नेटो का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, द मोटो ऑफ यूएनओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट्स योर वर्ल्ड,
सही है फ्रेंड, ये इसका मोटो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स इज इन डैश, माउंट एवरेस्ट जो है ना ये नेपाल में है फ्रेंड, तो हाईएस्ट माउंटेन जो है ये नेपाल में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जनेवा में है। सही है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेंड्स ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो फ्रेंड्स ये 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। सही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी यानी नेटो वाज साइंड इन, नेटो जो है फ्रेंड्स ये कब साइन हुआ था, ये हुआ था 1949 को ये साइन हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री ऑफ द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर इज लॉन्ग शुगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इटली। सही है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ डी8, डी8 की कौन सी कंट्री है जो डी8 का मेंबर नहीं है, तो फ्रेंड ये इंडिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, द लार्जेस्ट ओकेन ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा समंदर जो है फ्रेंड ये पैसिफिक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, और सबसे छोटा जो है वो एरेक्टिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ओआईसी चेंज इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन इन, तो फ्रेंड ये इसने 2012 में चेंज किया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है ये सबसे पावरफुल बंदा होता है, और फ्रेंड ये काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, तो ये फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है ये एम्स्टरडम में है। सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, थर्ड मई इज ये ऑब्जर्व्ड है। सही है फ्रेंड, ये ऑब्जर्व्ड है इंटरनेशनल एज, तो थर्ड मई जो है ये किस चीज़ का दिन है, ये प्रेस फ्रीडम का दिन है। सही है फ्रेंड, और लेबर्स डे जो है ये 1 मई है। सही है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज, कैनेडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है। सही है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, स्विस कैनाल इज बिटवीन, स्विस कैनाल जो है फ्रेंड्स ये मेडिटेरियन थी और रेड सी के दरमियान में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सॉर्ग इज लोकेटेड इन, परमानेंट सेक्रेटरी जो है फ्रेंड्स वो काठमांडू में होता है नेपाल में। सही है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन, कौन सी कंट्री है जो यूरोपीय यूनियन की मेंबर नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नॉर्वे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इन विच ईयर डिड मैन स्टेप आउट ऑन द मून, मून भी कब बंदे गए थे, तो फ्रेंड्स ये 1969 पे गए थे। सही है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, द करेंसी ऑफ इसराइल, इसराइल की करेंसी क्या है फ्रेंड्स, इसकी शिकल है। सही है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है, जूनियर क्लर्क में आया था, सीटीएस में, मोटरवे पुलिस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज,
ये इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी इज लोकेटेड इन, द परमानेंट ओआईसी लोकेटेड होता है ये जद्दा में होता है। सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, तो ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट अर्थ का माउंट एवरेस्ट है। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, लोवेस्ट पार्ट जो है फ्रेंड्स ये डेड सी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, डीपेस्ट पार्ट जो है फ्रेंड ये मेरीना ट्रेंच है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एमएसटी इंटरनेशनल इज इन, तो एमएसटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड ये लंदन में है। सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरिटी इंटरनेशनल इज इन, ट्रांसपेरिटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स ये बर्लिन में है। सही है फ्रेंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, ये ग्रीनलैंड है, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, 22 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल इज, 2 अप्रैल जो है फ्रेंड्स ये अर्थ डे है। सही है फ्रेंड्स, लिबर्टी का मैंने बता दिया फर्स्ट में ही है, फ्री प्रेस फ्रीडम डे जो है थर्ड में ही है, इन्वायरमेंट डे को कंफर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो सी लाइज बिटवीन, येलो सी जो है फ्रेंड ये चाइना और कोरिया के दरमियान बहता है। ये फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, ब्लास्टिक सी है, ये सबसे छोटा समंदर है दुनिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन, गोल्डन गेट जो है फ्रेंड ये सैन फ्रांसिस्को में है। सही है फ्रेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड, थाउजेंड आइलैंड जो है फ्रेंड ये इंडोनेशिया में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, इंडोनेशिया इज एन आर्चिपेलागो कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली डैश आइसलैंड, तो इसमें तकरीबन 17,500 आइसलैंड है इसमें। सही है फ्रेंड्स, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, तो फ्रेंड्स इसको ये बांग्लादेश को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, थाउजेंड लेक्स जो है फ्रेंड ये फाइनलैंड में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, वियना इज द कैपिटल ऑफ, वियना जो है फ्रेंड ये किस चीज़ का कैपिटल है, तो फ्रेंड ये ऑस्ट्रिया का है। चाहिए तो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, द कैपिटल ऑफ केज रिपब्लिक इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिग्यू। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, एएफपी इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, एएफपी जो है फ्रेंड ये सबसे पुरानी एजेंसी है और ये फ्रांस की है। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, अंतरा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, अंतरा जो है फ्रेंड्स ये इंडोनेशिया की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमारात इज एन एयरलाइन ऑफ, अमारात जो है फ्रेंड ये भी सीटीएस में आया था, ये यूएई की है। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, कंतास इज एन एयरलाइन ऑफ, कंतास जो है फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज डायनांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज इन, तो फ्रेंड सबसे लंबा ब्रिज जो है ये चाइना में है। सही
सही है, इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ फ्रेंड, कैंडी इसका मुझे बताएं सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर लेक, तो वाटर लेक ये उस ब्रिज का नाम है काफी इन डेशन। सो फ्रेंड ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज वाज इस रह गया है, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, तो ये फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबल जो थे ये स्वीडिश थे, सही है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट नोबल प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन, सो ये फ्रेंड्स 1901 में हुआ था, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सना इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, सना जो है फ्रेंड ये सायरा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 56, सबा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, सबा जो है फ्रेंड ये यमन की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57, केएलएम इज एन एयरलाइन ऑफ, केएलएम जो है फ्रेंड्स ये किसका एयरलाइन है, तो ये नेदरलैंड का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहाद एयरवेज इज एन एयरलाइन ऑफ, इतिहाद एयरवेज जो है फ्रेंड्स ये यूनाइटेड अरब अमारात की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, द अर्थ सरफेस डिवाइडेड इनटू एट कॉन्टिनेंट, तो इसको 7 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया गया है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट, जो है फ्रेंड एशिया है, आबादी के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा है और एरिया के लिहाज से भी। इसके बाद द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज, सो फ्रेंड ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द अर्थ ओके वाटर इज डिवाइडेड इनटू, सो फ्रेंड इसको 5 में तकसीम किया गया है, 5 समंदर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द अर्थ लार्जेस्ट ओकेन इज, सबसे बड़ा जो है ये पैसिफिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द अर्थ स्मॉलेस्ट ओकेन इज, सो ये एरेक्टिक है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज, सो सबसे लार्जेस्ट लेक जो है फ्रेंड्स ये लेक सुपीरियर है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, सो ये फ्रेंड्स सहारा डेजर्ट है, ये सबसे गर्म तरीन डेजर्ट है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, सो फ्रेंड्स ये ट्री ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड वॉर वन वाज बिगिन इन, सो फ्रेंड ये 1914 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर वन वाज एंड इन, सो फ्रेंड ये 1918 में ख़त्म हुआ था, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड वॉर टू वाज बिगिन इन, सो वर्ल्ड वॉर टू जो है फ्रेंड ये 1939 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर टू वाज एंड इन, सो फ्रेंड ये 1945 में एंड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, द एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, ऑन हिरोशिमा पे जो है फ्रेंड ये 6 अगस्त को ड्रॉप हुआ था, सही है फ्रेंड, ये भी आया है रेस्क्यू 1122 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, द एटॉमिक बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी भी जो है फ्रेंड वो 9 अगस्त को हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो इज एन डैश एलायंसेज, सो फ्रेंड ये मिलिट्री की ईजाद है, सही है फ्रेंड नेटो जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन द वर्ल्ड इज, सो फ्रेंड ये AFP है, सही है फ्रेंड्स, ये फ्रांस की है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, द स्विस कैनाल इज इन, स्विस कैनाल जो है फ्रेंड ये इजिप्ट में है यानी मिस्र में, सही है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द डिलीवर रिवर इज इन, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये यूनाइटेड स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द मेन स्ट्रक्चर वर्क ऑफ द इफल टावर वॉज कम्प्लीटेड इन, तो फ्रेंड ये जो हुआ था ये 1889 में हुआ था, सही है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, द हाईएस्ट ऑफ इफल टावर इज डैश फीट, तो फ्रेंड ये जो है ये 1063 फीट का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, रियूटर इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, ये फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम की है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, वफा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, वफा जो है फ्रेंड्स ये फलस्तीन की न्यूज एजेंसी है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया का कैपिटल जो है फ्रेंड्स ये रियाज है, सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, द करेंसी ऑफ कतर इज, कतर की करेंसी जो है फ्रेंड ये रियाल है, ये सबसे कीमती इसकी है। फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC वॉज फाउंडेड इन, ये फ्रेंड्स September 25, 1969 को ये फाउंड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द OIC वॉज फाउंडेड इन, OIC जो है फ्रेंड ये मार्को में हुआ था, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉज फाउंड इन, IMF जो है फ्रेंड ये 27 दिसंबर 1945 को फाउंड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द इंटरनेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA वॉज फॉर्म्ड इन, नासा जो है फ्रेंड्स ये 1958 में फाउंड हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल एज, 8 मार्च जो है फ्रेंड्स ये ओमन डे होता है, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल, 22 मार्च जो है फ्रेंड्स ये वाटर डे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम, वियतनाम का कैपिटल कौन सा है, हनोई है, सही है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, हिटलर पार्टी विच केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज, सो इसको नाजी पार्टी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबल प्राइज अवार्डेड, फ्रेंड्स ये फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, स्ट्रक्चर, पीस, इकोनॉमिक्स, ये सब के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 फील्ड में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामापानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन, सो फ्रेंड ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दीपू असम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 4 मीनार ऑफ बशाई मास्क आर, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 177 फीट, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है FFC स्टैंड पर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सही है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज, सो फ्रेंड्स ये अरबिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सार्क मेंबर कंट्री हैज लार्जेस्ट लिटरेसी रेट, तो फ्रेंड ये श्रीलंका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री, फ्रेंड्स वो फिजी से ताल्लुक रखते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन टू कंट्रीज, तो फ्रेंड्स ये USA और कैनेडा के दरमियान में है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कोस्टल एंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान प्रोविंस फ्रेंड, ये बलूचिस्तान है। फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।